लॉकडाउन से जिस तरह से व्यापारियों सहित जनता की कमर टूट गई है, हर आदमी तेल नमक जुटाने में जदोहद कर रहा है। वहीं जिले के कुछ शिक्षण संस्थान लगातार स्कूल के बच्चों के माता पिता के पास लगातार मैसेज भेज रहे हैं, जिसमें स्कूल की फीस लेकर बुक की फीस, बस की फीस जमा करने के लगातार मैसेज भेजे जा रहे हैं। आज जब कुछ अभिभावकों ने लगातार चल रही कम्युनिटी किचन के पास आकर अपना दर्द कहा कि फीस जमा करने का मैसेज आ रहा है, हम कहां जाएं, जिसके चलते अखिल उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री अजय कसौधन व अधिवक्ता शुभांगी द्विवेदी व राजू गोयल ने त्वरित सेंट जेवियर्स स्कूल पर जाकर देखा तो वहां अभिभावकों का भीड़ लगी थी। जब अभिभावकों से पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि मैसेज आया है, हम सब भागकर जमा करने आए हैं। वहीं एक अभिभावक ने कहा कि अप्रैल से जून तक का मैसेज आया है जमा करने का। यही हालत शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर व सरला पब्लिक स्कूल का है, जो लगातार अभिभावकों को मैसेज कर रहे हैं। आखिर इस लॉकडाउन में लोग कहां जाए, कहां से जमा करें, क्या अभिभावक चोरी करें या आत्महत्या करें? सेंट जेवियर्स के फादर का कहना है, हम दबाव नहीं बना रहे लेकिन फीस जमा करें। इस पर उनका ना कोई चस्पा स्पष्टीकरण है, ना कोई लिखित आदेश। वाजिब फीस की मांग की जा रही है, जो लॉकडाउन में काफी चिंताजनक है। रहने वाले कहाँ? सौरभगढ़ के। क्या मामला, क्यों स्कूल पे? मामला सर ये है कि सेंट जेवियर स्कूल सौरभगढ़ सिद्धार्थ नगर में कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं कि 3 महीने की फीस लेंगे या 1 महीने की फीस लेंगे या फीस नहीं लेंगे। हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप चाहे तो 3 महीने का जमा कर दीजिए, आप चाहे तो 1 महीने का जमा कर दीजिए। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सर हम लोगों को पिछले 3 महीने का फीस देना पड़ेगा या नहीं, ये क्लियर हो जाए। मुख्यमंत्री द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला हुआ था? सर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से तो यही आदेश हुआ है कि आपको फीस नहीं देना है। कितने महीने? 3 महीनों के लिए। लेकिन वो चीज़ यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये आप मान के चल रहे हैं कि मतलब सरकार सरकार की मंशा को तार तार करने में लगे हैं ये लोग? सर लग तो वही रहा है दिखने से। क्या मामला है अध्यक्ष जी? ये मैं जिला महामंत्री व्यापार मंडल से हूँ। जैसा कि सुबह हमारे निवास स्थान पे पारा गार्जियन के आसपास पहुँचे और बोले कि सर सेंट जेवियर्स स्कूल में और मैसेज और फ़ोन करके 3 महीने की फीस मांगा जा रहा है और बुक के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है कि बुक गार्जियन ले जाए। और जैसा कि अभी हम आके प्रतिदर्शी मैं खुद हूँ, यहाँ के गार्जियन जो है बोल रहे हैं कि फीस मांगा जा रहा है, बुक के लिए मांगा जा रहा है। इस समय आप स्कूल पे आए हैं और आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी मुझे प्रिंसिपल से कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी मैं अपने उप जिलाधिकारी महोदय से मैं इनकी बात कराऊंगा कि क्या इनको 3 महीने का फीस और बुक्स देने का या लेने का कोई शासनादेश इनके पास आया है। अभी इनसे हमारी वार्तालाप होगी और अपने उप जिलाधिकारी महोदय सदर से मैं बात कराऊंगा। अगर वो स्वस्थ करते हैं कि अजय जी आप जाइए, हम बात करते हैं, उसी समय हम जाएंगे। ऐसे सारे यहाँ के जिले के सारे सरस्वती विद्या मंदिर भी और सरला पब्लिक स्कूल भी, वो भी मैसेज लगातार कर रही है गार्जियनों पे। मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया था, उस पर सरला भी सरस्वती विद्या मंदिर भी, जो मतलब बताइए आरएसएस का, मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, ये आरएसएस का गढ़ सरस्वती विद्या मंदिर है, वो भी लगातार प्रेशर कर रही है, सरला भी कर रही है, आप ये सेंट जेवियर भी कर रहे हैं। तो मिलकर थोड़ा गार्जियनों का साथ दीजिए कि कम से कम में, क्योंकि आपसे लोग नहीं कोई कहेगा, बच्चों का दर्द कोई नहीं जाके कहेगा, बच्चों से मुंह छुपा के किसी तरीके से चोरी चमारी करके फीस लाके जमा करेगा। लेकिन 3 महीने का समय देके आगे उनका साथ दीजिए, फिर साल भर 10 साल 20 साल बच्चा आपके साथ ही पढ़ेगा, फिर आप फीस ले लीजिएगा, कुछ तो सहयोग करिए। आपके साल भर में कुछ ना कुछ किटी पार्टी छोटी छोटी जो भी चीजें होती हैं, हर गार्जियन सहयोग देता है हर स्कूलों में। तो निवेदन है कि इसमें गार्जियन का साथ देकर उनके साथ खड़े हुए अपने बच्चों के भविष्य की चौपट करने के लिए कुछ गलत कदम उठाए, यही कहना चाहिए। मैं अधिवक्ता शुभांगी हूँ। तो किस प्रकार से फीस लिया जा रहा है, सरकार द्वारा आपको क्या बतलाया गया है? सर्कुलर आ रखा है वही हिसाब से, फीस 3 महीने का फीस लेना है तो फीस नहीं ले रहा है, पिछले साल का ही फीस ले रहा है, अभी इस साल कोई फीस नहीं बढ़ाया है, वो भी सरकार का आदेश है। और दूसरा एक बात यही है,
कोई पेरेंट्स का पास कोई प्रेशर नहीं है, अगर उन लोगों को जमा कर सकते हो तो जमा करना है, नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा। तो आज अभिभावक क्यों मतलब प्रेशर में है और आक्रोशित बता दीजिए? कोई प्रेशर नहीं है, कोई पेरेंट्स यहाँ पे किसी को ऐसा बोल सकते हैं, कोई किसी का पास प्रेशर से बोल रखा है तो बता दीजिए। तो क्या एडमिशन हमारे बच्चों का होगा? पिछले साल जो आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा होता, आपका बच्चे का पास अभी भी मैसेज आ रहा होगा, पढ़ाई का मैसेज आ रहा होगा, आप अभी फीस भरने आया है, पहले भी मैसेज आ रहा है आपको पढ़ाई का, कोई कम नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए फीस का किसी के पास कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों का भर सकते हैं, एक महीने का भर सकते हैं, दो महीने का भर सकते हैं, तीन महीने का भर सकते हैं, पेरेंट्स का ऊपर है, वही ला रहे नहीं, पूरा जो साल का फीस लेने के लिए पूरा साल का फीस ही ले, साल का फीस दिया जाएगा। क्या परिचय है आपका? मैं शिशिर मिश्रा, उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ शाखा सिद्धार्थनगर का महामंत्री। ये जो फीस का मामला आया हुआ है कि लेने और ना लेने के चक्कर में, तो इसमें मुख्य सचिव का एक शासन आदेश है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 33% कर्मचारी विद्यालय पर रहेंगे, विद्यालय खोलेंगे, और जो इच्छुक अभिभावक हैं जो पैसा जमा करना चाहते हैं, फीस जमा करना चाहते हैं, वो आकर के अकाउंट में अपना फीस जमा कर दें, विद्यालय खुला हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब विद्यालय खुला रहेगा तो फीस आएंगी, और जो हमारे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, जो यह सैलरी पाते हैं, जो हम फीस पाते हैं, उसी फीस से इन शिक्षकों की सैलरी दे रहे हैं। भीषण महामारी चल रही है और इस भीषण महामारी में सबको पैसे की ज़रूरत है, और अध्यापकों को पैसा इसी फीस से दिया जाता है, ना कि अन्य किसी स्रोत से। जैसे जनता के पास भी पैसे नहीं आ रही तो शिक्षक को कहाँ से दे? तो इसके लिए तो आपको सरकार को सचेत करना चाहिए। सरकार हमसे, जिला विद्यालय निरीक्षक हम लोग से यह रिपोर्ट हर प्रतिमाह मांगते हैं कि आप फीस दिए या ना दिए, तो हम पिछले महीने का मार्च महीने का फीस दे चुके हैं। उनका आदेश था कि आप किसी भी कर्मचारी का फीस नहीं, सैलरी नहीं रोकेंगे, तो सभी विद्यालयों ने सिद्धार्थनगर के सैलरी दे दिया है। यूपी बोर्ड के कुछ विद्यालयों ने जिनके पास सोर्स नहीं था वो नहीं दे पाए हैं, और CBSE विद्यालयों ने दे दिया है। तो इस समय अभिभावक हैं परेशान बच्चों के फीस को लेकर? नहीं, हम किसी अभिभावक को यह नहीं कह रहे हैं कि आप फीस जमा करें, लेकिन जो सक्षम अभिभावक हैं, जो फीस जमा करना चाहते हैं, तो विद्यालय में आकर के फीस जमा कर सकते हैं। तो क्या जनपद स्तरीय कोई ऐसा सुझाव मिला है कि जिस पे आप अमल करके ये कार्य कर रहे हैं? एक चिट्ठी आई हुई थी, उसी वो चिट्ठी आप लोग को दे दी गई है, जिसमें लिखा है, कॉलम नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि जो अभिभावक फीस जमा करना चाहते हैं वो जमा कर सकते हैं।